पश्चिम बंगाल के वामपंथी शक्तियों द्वारा गत कई महीनों से छोटे बड़े आंदोलन के बाद 3 फरवरी को कलकत्ता के ब्रिगेड मैदान में एक विशाल जन समावेश का आह्वान किया गया है। यह समावेश पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र विरोधी जो सरकार है, जो लोगों की अधिकारों को छीन रही है, लोगों पर अत्याचार कर रही है, और जो दिल्ली में हमारी सरकार है, वो सरकार भी सारे देश के श्रमजीवी वर्ग, मेहनतकश, किसान, छात्र, युवा, महिला, सभी वर्ग को अधिकारों को जिस तरह से छीना जा रहा है, देश के पूंजीपतियों को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, गरीब जनता, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, महिला, सब लोग परेशान हैं, इसके खिलाफ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मैदान में एक विशाल जन समावेश का आयोजन किया गया है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग उपस्थित रहेंगे। और इस जन समावेश के माध्यम से पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचाओ, सारे देश में लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, ये जो नारा है, और लोगों का जो गणतांत्रिक अधिकार है, इस अधिकार को सुरक्षित करने की जो लड़ाई जारी है, उस लड़ाई को 3 फरवरी के ब्रिगेड जन समावेश के माध्यम से सारे देश के सामने एक बिगुल बजेगा, ये सरकार हटाओ, सारे देश से बीजेपी हटाओ देश बचाओ, पश्चिम बंगाल से तृणमूल हटाओ राज्य बचाओ, इस स्लोगन को सामने रखकर किसानों का कर्ज माफ़ करो, बेकार नौजवानों को नौकरी दो, कल कारखाना की स्थापना करके बंद कल कारखानों को खोलने की व्यवस्था करो। और 2011 में मैं याद दिला देना चाहता हूँ, तृणमूल कांग्रेस अभी चुनावी घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि बंदो कारखाना जमी, बंद कारखाना के ज़मीन में केवल कारखाना ही होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन आज सभी कारखाने के ज़मीन में प्रमोटरी व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, कैबिनेट में सिद्धांत करके प्रमोटरी करने के लिए उसको अधिकार दिया जा रहा है, उसको हक दिया जा रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल में कल कारखाना नहीं बन रहा है और चारों तरफ बेरोजगारों की भरमार पड़ी हुई है। हमारे देश में प्रति वर्ष 5 लाख इंजीनियर पास करके निकलते हैं, 6 लाख से ऊपर डिप्लोमा इंजीनियर निकलते हैं, और हमारे देश में इंजीनियरों की रोजगार की व्यवस्था होती है साल में 60,000 से 62,000, 5 लाख से 6 लाख इंजीनियर प्रति वर्ष बेरोजगार होकर घूमते रहते हैं। इसके साथ माध्यमिक पास, उच्च माध्यमिक पास, डिग्री हासिल करने वाले, मास्टर डिग्री पास करने वाले, ये जो करोड़ों के तादाद में हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसी के खिलाफ लड़ाई है। ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसी के खिलाफ लड़ाई है। और इसलिए इस जन समावेश में, विशाल जन समावेश में जो 3 फरवरी को ब्रिगेड समावेश होने वाली है, इस सब लोगों से आवेदन है, छात्र से, युवा से, महिला से, किसान से, एवं हमारे देश के कल कारखाने के मजदूरों से, चलिए हम लोग सब मिलकर पश्चिम बंगाल में रोजगार की व्यवस्था के लिए और देश में भाजपा की सरकार को हटाने के लिए हम लोग ब्रिगेड समावेश में हाँ शामिल हो। और मैं तो ब्रिगेड समावेश में ही जाऊंगा, आप सबको जाने के लिए आवेदन करता हूं, और मुझे आशा है आप लोग भी ब्रिगेड के जन समावेश में सभी वर्ग के लोग उपस्थित होकर इस लड़ाई को और जोरदार और मजबूत बनाएंगे।